नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नमस्कार, मैं हूं नीतिशा और आप देख रहे हैं जीएसटी। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के प्राइम टाइम खबर। गंगा नदी पर बनेगी पुल, घट जाएगी कई जिलों के बीच दूरी। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गंगा नदी पर एक और पुल का निर्माण होने जा रहा है। पुल बन जाने से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर से पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। बता दें कि बेगूसराय से मटिहानी संभोग के बीच बनने वाला यह पुल बिहार में गंगा नदी पर बनने वाला 15वां पुल होगा। चोरों ने बीडीओ के घर की चोरी, लाखों के सामान पर किया हाथ तब। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बेखौफ चोरों ने बीडीओ के घर को अपना निशाना बनाते हुए 50,000 की नकदी सहित 10 लाख के सामान की चोरी कर ली। खाली घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने एक घर घंटे तक की छानबीन, उसके बाद चोरी कर ली, लेकिन आसपास के किसी को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। जिले में सघन मास्क जांच अभियान जारी, युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान चल रहा है, जिसमें एक युवती ने बिना मास्क के हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे उसकी एक नहीं चली, उसे जुर्माना दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, फिर मिले 680 नए मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6,144। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार राज्य में 680 कोरोना के नए मरीज मिले। सबसे अधिक कोरोना के नए मरीजों की संख्या पटना जिले से आ रही है, जहां 233 नए मरीज मिले हैं। पुलिस को मिली सफलता, हथियार के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्रवानी रोड स्थित एटीना टूर एंड ट्रेवल्स के बस में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 11 हथियार बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सदर SDPO की अगुवाई में छापेमारी हुई, जिसके बाद जखीरे के साथ दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगों ने दी पत्रकार को जान से मारने की धमकी, थाने में मामला दर्ज। सिवान में एक बार फिर से पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पत्रकार को खुलेआम गायब करने की धमकी दी। मामला पंचरुखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पत्रकार धनंजय कुमार पांडे को समाचार कवरेज नहीं करने की हिदायत देते हुए दबंगों ने बुधवार को खुलेआम धमकी दी है। बिहार में 3 मंत्रियों को मिला सरकारी आप्त सचिव। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 अफसरों को की सेवा कैबिनेट को सौंपा। बिहार में नीतीश कैबिनेट के 3 कैबिनेट मंत्री को सरकारी आप्त सचिव मिला है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंप दिया है। LJP की प्रदेश इकाई भंग, सभी प्रकोष्ठ जिला कमेटियों का होगा नए सिरे से गठन। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश की जिला सभा इकाई को भंग कर दिया है। मैन विंग के साथ साथ सभी प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिया है। इसको लेकर LJP कार्यालय में बैठक भी हुई है, इसके बाद फैसला लिया गया है। जोड़ी टूटने का छल का दर्द, नीतीश बोले, हम लोग तो चाहते थे कि साथ मिलकर करें काम, लेकिन यह फैसला BJP का। सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। इस दौरान CM नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन सुशील मोदी के बिहार छोड़ दिल्ली जाने का दर्द भी नीतीश कुमार का छल का। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।